एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो यहाँ पर हम मिल रहे हैं क्लास 12 आईएससी का एक चैप्टर रेशियो एनालिसिस करने के लिए। अब से पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने रेशियो एनालिसिस की आपके साथ शीट शेयर करी थी, फॉर्मूला शीट। मैंने ये डिस्कस किया था कि करंट रेशियोज एंड क्विक रेशियो मीन्स लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से करके देखे थे। आज मैं थोड़े से और एडिशनल क्वेश्चन आपके साथ यहाँ बैठकर करने वाली हूँ, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। ये है आपके लिए एडिशनल क्वेश्चंस। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने कहीं डिफरेंट डिफरेंट बुक में से निकाल के लिए है, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हो सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। चलिए, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट टुडे। पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, लेकिन यस, जिसको करंट रेशियो एंड करंट असेट्स के बारे में ठीक से, करंट रेशियो में जो करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज होती है उनके बारे में अगर ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है, या ये नॉलेज नहीं है कि कितनी एसेट्स को, किन एसेट्स को करंट असेट्स बोलते हैं या किन लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे आपको करंट एसेट्स एक साथ लिखकर नहीं दिया हुआ है, सारा बाइफर्केशन दिया हुआ है। यू हैव टू पिक एंड चूज व्हाट इज करंट एसेट्स एंड व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज। सो लेट्स सी ओवर हियर, लाइक करंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट इज योर वन ऑफ करंट एसेट। व्हाट इज क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, दे आर आस्किंग यू टू टेक आउट बोथ द लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। Then you have short-term provision. Short-term provision जो होते हैं हमारे current liabilities में आते हैं। Short-term provisions की heading ही है इसकी, inventories. Inventory is your current asset. Then उसके बाद आपके पास है trade receivables. Trade receivable is also current asset. Then short-term borrowings, bank overdraft, ये हमारी current liability होती है। Trade payables is also current liability. प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो आपकी करंट एसेट होती है। देन सेवेंथ हमने ऑलरेडी कर लिया था, अदर करंट लाइबिलिटीज, नेम में लिखा हुआ करंट लाइबिलिटी, तो दिस इज करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, याद रखना बच्चों, लोन के साथ जब भी एडवांस वर्ड लग जाता है तो वो आपकी एसेट है, लाइबिलिटी नहीं। ओनली लोन इज योर लाइबिलिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मीन्स विद लोन्स ग्रांटेड बाय अस टू अदर, सो ये आपकी है करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। टेंजिबल फिक्स एसेट is definitely neither a current asset nor a current liability. Cash and bank balances is current asset, and advance tax means prepaid expenses का ये part होता है, तो advance tax is also your current asset. तो अब हमारे सामने सारी की सारी current assets and current liabilities है। चलिए जल्दी से इस question को हम लोग solve कर लेते हैं। और कैसे question को solve करना है, हमेशा जब भी आप question solve करेंगे you will have to write down the ratio first of all. So मैं लिख रही हूँ मेरा current ratio का formula. Ratio का formula है current assets upon current liability, current assets upon current liability. मैं यहाँ पर आकर सीधा करंट एसेट्स का अमाउंट लिख दूंगी, बट यहाँ नीचे जाकर मैं वर्किंग नोट में लिख देती हूँ व्हाट आर माय करंट एसेट्स। तो मेरी करंट एसेट्स के अंदर है जितने भी आइटम्स यहाँ पर आए हुए हैं, 40,000, 5,000, मैं सबको एक साथ लिख लेती हूँ, 40,000 प्लस 5,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स आर 2,000, देन मेरे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नो इट्स नॉट, देन ट्रेड पेबल्स भी नहीं है, वो करंट लाइबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है दूसरे, फिर मेरे पास 2,000 रुपीज के, उनको भी मैं नोट कर रही हूँ, फिर मेरे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नो, अदर करंट लाइबिलिटी नो, नाइन्थ नंबर का आइटम जो है 4,000 रुपीज उसको मुझे यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद मेरे पास है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 11th item which is 10,000 rupees, and मेरे पास है advance tax also, advance tax is 8,000 rupees. तो जो मेरी current assets है उनका total आ गया है 40,000 plus 5,000 plus 4,000 plus 4,000 plus 18,000, 71,000 की मेरी जो है current assets हो गए। अब मैं current liabilities को भी यहाँ पर लिख लेती हूँ, मेरी current liabilities जो है वो है starting from short-term borrowings from bank 20,000 rupees, and उसके बाद trade payables है मेरे पास 2,500, 20,000 plus 2,500 को मैंने add कर लिया, फिर मैं देखती हूँ और मेरे पास क्या current liability, short-term provision 3,000 and 5,000 की other current liabilities, 3,000 plus 5,000 को भी मैं add करूँगी, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है कुछ नहीं। ओके चलिए, तो मेरी जो करंट लाइबिलिटीज है वो कितनी हो गई है, मेरी जो करंट लाइबिलिटीज है उनका टोटल आ रहा है
20,000 प्लस 2,500 प्लस 8,000 30,500 की मेरी जो है वो मेरी करंट लाइबिलिटीज है. ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 71,000 जो मैंने नीचे कैलकुलेट करके लिखा वो 30,500 ऐसे लिख दूंगी. तो 71,000 डिवाइड बाय 30,500, माय करंट रेशियो 3.32:1. हमेशा आपका यहाँ पे इस्टू वन आना चाहिए, मतलब फुल्ली डिवाइड करके आप इसको लिखने वाले हैं. चलो, तो हमने करंट रेशियो निकाल दिया. क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ओनली करंट रेशियो का कैलकुलेशन था? नहीं, क्वेश्चन ने आपसे इसके साथ साथ क्विक रेशियो भी पूछा हुआ है. लेट अस डू क्विक रेशियो ऑल्सो. क्विक रेशियो के लिए हम लोग ये सब सीख चुके हैं कि करंट असेट्स में से जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री इन दोनों चीजों को माइनस कर देते हैं तब हमारे पास आते हैं क्विक एसेट. एज फार एज डिनोमिनेटर इज कंसर्न, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है करंट एसेट्स एंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो का. तो मैं कर देती हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरफ. आई एम राइटिंग क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. अब मैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटी तो वही लिख लूंगी जो कि मैंने करंट रेशियो में लिखी थी 30,500. यहाँ तक की क्विक एसेट की बात है तो क्विक एसेट को मैं ऐसे लिख दूंगी, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. एक तो हमें इन्वेंट्री माइनस करना है, दूसरा हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस थे. प्रीपेड एक्सपेंसेस और याद रखना प्रीपेड टैक्स भी था हमारे पास जिसका हमारे क्वेश्चन में नाम दिया एडवांस टैक्स. इन सबको माइनस कर देंगे तो आपकी जो क्विक एसेट है वो कितनी निकल के आएगी, करंट एसेट 71,000 की, उसमें से मैं माइनस कर रही हूँ इन्वेंट्री. देखिए इन्वेंट्री कहाँ पर है, ये सेकंड वाला 5,000 रुपीस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,000 एंड एडवांस टैक्स है 8,000. सो 5,000, 2,000 एंड 8,000 इन सबको माइनस कर देंगे और हमारा आंसर है 71,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 8,000. तो 56,000 की हमारे पास क्या आ गई है, क्विक एसेट. हाउ मच इज क्विक एसेट, 56,000. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 56,000 रुपीज. तो मेरा जो रेशियो है वो कितना हो गया, 56,000 डिवाइडेड बाय 30,500. माई रेशियो इज 1.836 है तो मैं उसको 84 कर रही हूँ इस टू वन. माई क्विक रेशियो इज 1.84:1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, क्विक एसेट फाइंड आउट करेंगे एंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे. सिंपल क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्टी लेवल इसका हाई नहीं था. चलिए अब मैं थोड़ा हॉप करके क्वेश्चन करूंगी. यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स में थोड़ी गड़बड़ी हुई है. आपके पास जो क्वेश्चन पहुंचेगा आपको ठीक तरीके से मिलेगा, मतलब वहां पर नंबरिंग ठीक रहेगी. ठीक है, तो ये एक्चुअली है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो. अब इन्फॉर्मेशन कैसे दी हुई है, आपको टोटल एसेट्स दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट दिया हुआ है. देखो यहाँ पर बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाली है, बिकॉज बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके हम लोगों को यहाँ पर अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालनी. आपको टोटल एसेट्स दी हुई है, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है. अब अगर मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है इसको अगर मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालू, ठीक है, ये जो डायग्राम है आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ. अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को बैलेंस शीट के डायग्राम में डालू, डायग्राम मतलब फॉर्मेट में डालू, इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है आपका अपर पैनल और जो नीचे वाला पैनल होता है यहाँ पर आपके पास होती है एसेट्स. ठीक है, यहाँ पर एक टोटल होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल होता है और दूसरा जो टोटल है आपके पास वो होता है यहाँ पर एसेट का टोटल. ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन है 1,00,000 रुपीज की. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1,00,000 रुपीज, इसका मतलब यहाँ पर टोटल भी बराबर ही होने वाला है 1,00,000 रुपीज. ओके, यहाँ क्या क्या आता है, यहाँ पर एसेट साइड में दो चीजें आती है, एक तो आती है नॉन करंट एसेट्स एंड दूसरा आता है करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दो चीजें आती है. क्या मेरे क्वेश्चन में मुझे नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स में से कुछ दिया है, करंट एसेट्स दिया और मैं डायरेक्टली उठा लेती ये सब नहीं करती, लेकिन मुझे नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है. नॉन करंट एसेट्स कितनी है, 50,000 की नॉन करंट एसेट्स है. इसे यहाँ लिखना था मुझे, मैं यहाँ लिखती हूँ, इसे मुझे ऊपर लिखना है यहाँ पर 50,000 रुपीज की मेरे पास नॉन करंट एसेट्स है. तो क्या मैं करंट एसेट्स पता कर सकती हूँ, बिल्कुल आसानी से पता कर सकती हूँ. अगर टोटल एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसे बैलेंस
बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकती हूँ, मतलब कि टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस करके 50,000 का फिगर ऐसे में कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपनी करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो। अब मुझे ये बात तो पता चल गई, नीचे का टोटल 1 लाख है तो ऊपर का इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल में 1 लाख होगा। यहाँ क्या क्या चीजें आती है, यहाँ पर एक तो आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लसेस आते हैं। शेयर होल्डर फंड क्या आ जाता है आपके पास, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज। ये सब अगर आपको याद नहीं है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आप अपने सामने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है चैप्टर नंबर 10 में जो दिया हुआ है उस फॉर्मेट को अपने सामने रख लीजिए तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है? यस, शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन टू अस ओवर हियर, यहां पर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे पास नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी दी गई है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज 20,000 है। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, यहाँ पर अगेन मैं एक काम करूंगी बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि मुझे टोटल पता है तो मुझे बैलेंसिंग फिगर से सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन पता करनी है। तो 60 + 20 = 80 होता है, 80 - 1 लाख। मैं यहाँ पर पता करूंगी कि 20,000 की मेरी क्या है, करंट लाइबिलिटीज है। ओके, अब जब हम एग्जाम में सोल्यूशन करेंगे, क्या हमें ये डायग्राम बनाने, नहीं ये डायग्राम हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, लेकिन इस डायग्राम को बना करके हम अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा डायग्राम बना के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए और फिर आप वहां पर तो फॉर्मूला ही लिख करेंगे। आप फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू कि कभी भी इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज हम लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फॉर्मूला तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपने आप डेवलप करने पड़ते, जैसे ये हमने किया। तब मैं जब अपना सोल्यूशन करूंगी, ये जो मेरा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, जब मैं सोल्यूशन करूंगी, अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बोल दूं, इसके सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिख लें। अगर आपने अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया तो वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, अपना पेन एंड पेपर उठाकर लेकर आइए और मेरे साथ साथ सोल्यूशन सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि अगर हमें सब कुछ पका पकाया मिल जाता है तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम खुद से करके नहीं देखते, विच आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू डू। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर सोल्यूशन कर लेंगे, एज फार एज क्वेश्चन आर कंसर्न क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगी। चलिए तो मैं कर रही हूँ सोल्यूशन 6। सबसे पहले मैं निकालूंगी व्हाट आर करंट असेट्स। करंट असेट्स निकालने के लिए जो मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया बस उसी बात को लिख रही हूं कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। जब हम एग्जाम में लिखेंगे प्लीज डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, यहाँ पर हमें जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। हमारी जो टोटल एसेट्स थी वो थी 1 लाख रुपीज, उसमें से हमारे पास नॉन करंट एसेट्स थी 50,000 रुपीज। तो हमारा जो करंट एसेट्स आ गया वो आ गया 50,000 रुपीज का, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे करंट लाइबिलिटी निकालनी है तो करंट लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स का जो टोटल है वो बराबर ही होता है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड, मैंने क्या क्या माइनस करना है, शेयर होल्डर्स फंड एंड एक और चीज मुझे यहाँ से माइनस करनी है, शेयर होल्डर्स फंड के अलावा मुझे यहाँ से नॉन करंट लाइबिलिटी भी माइनस करनी है। तो ये था टोटल एसेट्स 1 लाख रुपीज, उसमें से मैं दो चीजें माइनस करूंगी, एक तो शेयर होल्डर्स फंड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 और दूसरा माइनस करूंगी 20,000 रुपीज जो कि मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो इस तरीके से मेरी करंट लाइबिलिटी आ गई 20,000 रुपीज की। अब मेरे पास करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी दोनों अवेलेबल है तो मैं करंट रेशियो निकालूंगी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। और ये देखिए यहाँ पर हमने करंट असेट्स को निकाला, करंट असेट्स हमारे पास थी 50,000 रुपीज की एंड करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है 20,000 रुपीज की, ठीक है। तो 50,000 / 20,000 2.5:1 का जो है मेरा रेशियो में, करंट रेशियो 2.5:1, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इन्फॉर्मेशन आपके सामने डायरेक्टली दी गई है, लेकिन बैलेंस शीट का जो नॉलेज है वो यहाँ पर आपको यूज करना है और फिर इसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है जहां पर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। स्टूडेंट जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी है वैसे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करनी है और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके बैलेंस शीट के नॉलेज का पूरा एप्लीकेशन होता है और ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा भी रहते हैं। चलिए तब मैं कर रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका एक्चुअली नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर मुझे टोटल एसेट्स दी हुई है
फिक्स असेट्स भी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज भी है। अगेन ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है जहाँ पे हमें बैलेंस शीट का नॉलेज यूज करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाएंगे, बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे निकालनी है कि मेरी जो करंट असेट्स है वो कितनी है और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो हमें पता है टोटल असेट्स में से अगर हम फिक्स असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा करंट असेट्स। क्यों? क्योंकि जब हम मैं फिक्स असेट्स की बात करती हूँ तो फिक्स असेट्स के अंदर हमारे पास आता है पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर उसके बाद हमारे पास आता है हमारे जितने भी ये रहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, के बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हम वहां पर लिखते हैं, उसके बाद हमारी करंट एसेट्स आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर टोटल एसेट्स में से माइनस कर रही हूँ फिक्स एसेट्स और माइनस कर रही हूँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो होगा करंट एसेट्स, ठीक है। इस तरीके से मैं करंट एसेट्स निकाल लू। टोटल एसेट्स है मेरे पास 8 लाख रुपीज की, उसमें से मेरे पास फिक्स एसेट्स है 5,40,000 रुपीज की और मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 रुपीज के, ठीक है। इनको माइनस करके मैं निकालूंगी अपनी करंट एसेट्स एंड मेरी करंट एसेट्स हो जाएंगी 1,50,000 रुपीज की। ओके, ये है मेरी करंट एसेट्स। अब मुझे जाना है करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। अब आप सोचो कि बैलेंस शीट के ऊपर वाले बैलेंस में जहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है वहां क्या क्या चीजें आती है। एक तो आता है इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जहां पर आपको शेयर कैपिटल रिजर्वल सरप्लस दिया रहता है। उसके बाद आपके पास दूसरा आता है जहां पर आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज दी जाती है। उसके बाद जो थर्ड मेन हेडिंग आती है वो आती है करंट लाइबिलिटी की। तो मुझे उसमें से क्या क्या पता है, मुझे ये पता है कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज पता है, और क्या मुझे टोटल भी पता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का। ध्यान से देखिए, क्या आपको पता है? नहीं समझ पाए तो देखो, टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो हमें वो टोटल भी पता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल भी पता है। तो हम अपने टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे, टोटल एसेट्स में से हम माइनस करेंगे शेयर होल्डर्स फंड और दूसरी चीज हम माइनस करेंगे वो है नॉन करंट लाइबिलिटी। इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो होगा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो टोटल एसेट्स हमारे पास थी 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन एज 6 लाख रुपीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आर गिवन एज 80,000 रुपीज। ओके, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 8 लाख माइनस 6,80,000 रुपीज, 1,20,000 की हमारे पास आ गई करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब जब हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है तो हम यहाँ से करंट रेशियो बहुत इजीली निकालेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, एंड हमारे पास करंट एसेट्स है 1,50,000 रुपीज की एंड करंट लाइबिलिटीज है 1,20,000 रुपीज की, ठीक है। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इज 1.25:1, ये आपका हो गया करंट रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन करना आ जाएंगे अच्छे से। आप इस तरह के और क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिए हुए हैं आंसर एंड इलस्ट्रेशन दोनों को प्रैक्टिस करके देखेंगे। आज के वीडियो पे इतना ही, इस शीट के काफी क्वेश्चन अभी करने बाकी रहते हैं। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी लेकिन आई विल स्पेशली फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि रेशियो इम्प्रूव होगा, रेशियो डिक्लाइन होगा या नो चेंजेस होंगे, उसको कैसे टैकल करते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे इन माय अपकमिंग वीडियो, ठीक है। तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन जहां आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है इसे सॉल्व करके देखिए, और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके साथ जल्दी ही सॉल्व करने वाली। चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ great day to all.